माय क्वेश्चन बहुत सीधे सवाल पूछता हूं मैं, व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट? मैं एविडेंस थोड़ी पूछ रहा हूं, डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे ये बोतल है प्लास्टिक की बनी हुई है, व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट? एनीवन एल्स? निकाल लीजिए एविडेंस एक्ट जिनके पास है। डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में दी हुई डेफिनेशन में देखो, जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके, कोर्ट एडमिट कर सके। एनीथिंग व्हिच इज रिटन और एक्सप्रेस। बोलो ना। हां बता। एनीथिंग व्हिच इज इन रिटन। इन? इन अ रिटन मैनर। हां। एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिटन। ये इसकी वो है, चलता है ये बोर्ड? वो उधर है चलने वाला सर। चले तो है उसकी कुछ? हाँ लिखने का वाला है, लिखने वाला। हाँ 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 जरा राहुल है इधर 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 देखो, मैं वहीं आ गया। नजर नहीं आया है? नजर नहीं आ रहा? आएगा भी ना सर, थोड़ा सेंटर खोल दूँगा। इधर इसके पीछे होगा ना, थोड़ा ना ला रहा सर, थोड़ा और करो। एनीथिंग इन रिटन डॉक्यूमेंटिंग इन राइटिंग एनीथिंग मार्क्स ऑफिशियल राइटिंग्स, ये सब कह दिया तो एनीथिंग इन राइटिंग मैंने लिखा है, इज इट ए डॉक्यूमेंट? नो। देन व्हाट इज व्हाट इज कैन बी कैसे लिखा जाता है? ये रिटन फॉर्म दैट इज बट मींस ऑफ हैं पीस पीस ऑफ एनीथिंग इज राइटिंग, ये कर तो दिया मैंने। लेटर हैं? लेटर इन अ रीडेबल फॉर्म। लेटर ये बना दिया, इज इट ऑफिशियल पीस ऑफ राइटिंग? ऑफिशियल पीस ऑफ राइटिंग ऑफिशियल पीस ऑफ राइटिंग। ये जो महबूबा को मैंने खत लिख करके और बालकनी में फेंका, ये डॉक्यूमेंट नहीं है? ये ऑफिशियल है? ये ऑफिशियल है? हाँ हाँ। एनीथिंग रिटर्न फॉर्म एनीथिंग दैट डील्स विद द फैक्ट। अच्छा पहले तो एनीथिंग रिटर्न हो गया डॉक्यूमेंट? नो सर। जी इट हैज टू कंटेन द फैक्ट। इट हैज टू कंटेन सेंस क्या? बट इट हैज टू कंटेन इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स मेक्स द इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट नहीं ले रहे क्या? यस सर। पढ़ो ना। तो सब्सटेंस देयर मस्ट बी ए सब्सटेंस ऑन ए लेटर वर्ड फिगर एटसेट्रा शुड हैव बीन रिटन एंड where at present it, after this technological advancement there is no need of any substance, wo kaun sa document? electronic document jo hai wo usme nahi aata, theek hai? document means any matter, anything in writing nahi hai, any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. Jo letters, figures or marks hain, those should be intended to be used for the purpose of recording that matter. So document means any matter on a substance by means of letters, figures, marks for recording of that matter. A writing is a document. Words printed, lithographed or photographed are documents. A map or plan is a document. An inscription on a metal plate or stone is a document. A caricature is a document. South India mein jayenge तो वहां भोजपत्र मिलते हैं, भोजपत्रों पर बहुत कुछ लिखा हुआ है
और तीन जन्म तक का वृतांत वो लोग देते हैं। उसके लिए वो 8 सेट आपके थंब इम्प्रेशंस के मंगाते हैं और उसको वो टैली करते हैं कि वो आपका जो फिंगरप्रिंट्स की 8 जोड़ियां हैं वो जैसे डीएनए मैच कर जाता है ऐसे ही वो आपके 8 फिंगरप्रिंट्स किसी भोजपत्र के फिंगरप्रिंट से मैच करेंगे। दैट भोजपत्र विल गिव यू द हिस्ट्री ऑफ योर प्रेजेंट बर्थ वुड बी बर्थ एंड द प्रीवियस बर्थ फ्रॉम विच यू हैव कम बिकॉज दे बिलीव इन द थियोरी ऑफ रीबर्थ। बहुत से लोग रीबर्थ की थ्योरी में बिलीव नहीं करते, ठीक है, तो वो भोजपत्र भी जो है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। कहीं और भी लिखी हुई है ये डेफिनेशन डॉक्यूमेंट है? आईपीसी कौन सा सेक्शन? सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑल्सो गिव द सिमिलर डेफिनेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। सो दीज आर टू सिमिलर डेफिनेशंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। तो अब हमने क्वेश्चन यहां पर ये उठता है वेदर दैट मैटर रिकॉर्डेड बाई वे ऑफ लेटर्स फिगर्स एंड शुड कीप शुड मेक ए सेंस ऑल्सो। Yes, it has to be related facts. Huh? It has to be related facts. Relevant facts. Related facts that's called information. आप लोग फिर क्या करने लगते हैं? मैं बड़े जनरलाइज सवाल करता हूँ, जहां से मुझे लॉ पढ़ाना होता है वहां से मैं लॉ पढ़ा देता हूँ। जैसे लॉ का अधिकार एक बात बोली गई कि एक तो मैंने डेफिनेशन पढ़ी और दूसरा बताया कि सेक्शन 29 एविडेंस एक्ट में भी सिमिलर डेफिनेशन दी गई। अभी आपका रेलेवेंसी और वो सब खत्म हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? एनी मैटर विच मस्ट हैव ए सेंस और नॉट। सेंस मीन्स कैन वी ग्रेस्प समथिंग इन आवर माइंड विद ए रेशनैलिटी दैट इफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस विच हैज बीन रिटेन द मैटर विच हैज बीन रिटेन इट मेक्स ए सेंस। इट मेक्स ए सेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू हूम द सेंस इज टू बी मेड। कितने लोग हैं जिनको तमिल आती है यहां बैठे हुए? एक को तमिल आती है, हैं? आ जाओ, उठ के आ जाओ जरा। उधर से घूम के आइए, जल्दी आइए, उधर से घूम के आइए। अच्छा, मैं तो तमिल कौन है? एडवोकेट है क्या? हैं? एडवोकेट है? हाँ, यही मैंने कहा ना, एडवोकेट ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहां तमिल में भी लिख देगा इट डज नॉट मेक ए सेंस फॉर यू बिकॉज यू डू नॉट नो दैट लैंग्वेज, राइट? सो विच इज द लैंग्वेज इन इंडिया विच हैज इसको जो लैंग्वेज को हम अनर्थ करते हैं इस वर्ड उसको क्या वर्ड कहते हैं? वर्ड है डिसाइफरिंग ए लैंग्वेज। क्या वर्ड है? DECIPHER, डिसाइफरिंग ए लैंग्वेज। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो लिपि लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, दैट हैज नॉट बीन टिल डेट डिसाइफर्ड कि वो क्या है। तो वहां जो हमें एक्सकेवेशन में जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल मिला उसी से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो लोग कितने सभ्य थे, कितना कॉमन में उनका बात था, कैसे वो मिलकर के फेस्टिवल्स मनाते थे, वो सब करते थे। हम उनके कंस्ट्रक्शन से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी उनकी जो लैंग्वेज है वी कुड नॉट डिसाइफर दैट लैंग्वेज, राइट? तो टू हूम इट मेक ए सेंस, ये क्वेश्चन है। वेदर इट शुड मेक ए सेंस और टू हूम इट मेक ए सेंस, remember very very intelligently Lord Stephens has not mentioned this in the definition. It says but we can draw a thing from the language intended to be used or which may be used for purpose of recording that matter. Any matter if I want to record it then a document is prepared. It means that recording makes a sense unless and until I mean something
no use, as I have written those three words, right? Now, ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि ये बेसिक अब डेफिनेशन क्लॉज पे थोड़ा सा शर्मा जी ज्यादा हम ध्यान इसलिए देंगे. वंस द डेफिनेशंस आर क्लियर इन योर माइंड, ए टीचर मे बी देयर और मे नॉट बी देयर. एविडेंस एक्ट में आप कभी मात नहीं खाएंगे किसी भी तरीके से, राइट? It is a document. Yes, sir. What does it convey? कैसे? Sir, the basic ingredient is expression. And as per the discussion we just had now, the person who made this wanted to express something in binary language. In any other language, maybe this is binary or not. Maybe you were counting days. So because this is an expression and this is on a substance, this should. है क्या ये चीज? है क्या चीज? तो जब हमारे घर पे आने वाला दैट रस्टिक विलेजर मिल्कमैन जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कच्चे कोयले से सॉफ्ट कोक से व्हेन ही ड्रॉज सर्टेन लाइन ऑन द वॉल्स ऑफ हिज झुग्गी हट, दिस आर इंडिकेशंस. ही इंडिकेट्स कि साहब के यहां पर इतने दिन दूध चला गया और इतनी क्वांटिटी में चला गया. इस काम को बेकरी वाले भी करते हैं, मिल्कमैन भी करते हैं. ये एक डॉक्यूमेंट है. तो यहां से अगर मैं ये लगा और ये डिसाइडेड केस हमें यहां से लगा, टू होम दिस सेंस शुड मेक इट इज अगेन अरेलेवेंट. दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड इन द जजमेंट दैट दीज आर इंडिकेशंस, दीज आर इंडिकेटिंग समथिंग टू समथिंग, राइट? आप मिलिट्री में और रिसर्च एनालिसिस विंग वगैरह जो हमारी इस तरह की जासूसी संस्थाएं हैं, उनमें बहुत सी लैंग्वेजेस अपने आप बनाई जाती हैं जो उसी महकमे वालों को समझ में आती हैं, और उससे हम बहुत चीजें कम्युनिकेट करते हैं और उससे काफी हम जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो अनअर्थ भी कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये भी उतना ही तगड़ा डॉक्यूमेंट है जितना एक 40 साल पुराने डीड राइटर एडवोकेट ने बड़े ढंग से दो पार्टियों के बीच में जो फुल एग्रीमेंट लिखा हो, और जिसके अंदर हमारे यहाँ एक वैसे वकालत जो है मुवक्किल सिखाते हैं शर्मा जी, कभी भी कानून नहीं सिखाता. एक आते थे उनके ग्रेटर कैलाश में, तीन कोठियाँ थी, तो उनका जो रेंट एग्रीमेंट है वो बड़ा प्यारा होता था. वो कहते थे चूंकि मैंने इटालियन मार्बल लगवाया हुआ है इसलिए टिन का बना हुआ कूड़ेदान नहीं रखोगे, डस्टबिन नहीं रखोगे, क्योंकि उससे जंक लग जाता उसके ऊपर. ये वो टर्म्स डलवाता था रेंट एग्रीमेंट के. इस कदर आदमी था, और तीसजारी कोर्ट में जब बरसात में चैंबरों के वहां पानी भर जाता था तो वो पैंट उतार करके कंधे पर डाल करके आपकी फीस देने आता था. सोच लीजिए वो क्या करेगा, यानी आपने अगर एक डेट ले ली तो वो आपके खिलाफ ही नोटिस दे देता था दूसरे वकील के थ्रू कि उस दिन आपने तारीख ले ली, इससे मेरा इतना हर्जाना हुआ, तो why you should not be prosecuted and why I should not recover this much of compensation from you. ऐसे मुवक्किल वकालत से खाते हैं, ठीक है? तो इस तरह का ये भी उतना ही बड़ा डॉक्यूमेंट है जितना एक वेल ट्रेंड लॉयर ने इसको लिखा हुआ, ठीक है? नाउ फोटोग्राफ इज ए डॉक्यूमेंट और नॉट? फोटोग्राफ इज, बट देर इज ए राइडर क्लॉज. No trick photography should be there. Document तो रहेगा trick photography वाला भी, लेकिन उसकी admissibility और relevancy पर doubt हो जाए. ये उसका link है. कहां से? Evidence Act से. Right? Now, most important definition again हमने जिक्र किया था. एविडेंस, वॉट इज एविडेंस नेक्स्ट, ठीक है? डॉक्यूमेंट पे और आप पढ़ना चाहें काफी पढ़ सकते हैं, सभी उसके जजमेंट्स हैं.
ये केवल डेफिनेशन तक काम है. बेसिक लॉ क्या कहता है, इफ देयर इज अ डॉक्यूमेंट देन ओरल एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल. तो आगे हम जब सेक्शन 90, 91, 92 वगैरह पे जाएंगे तो इसके भी एक्सेप्शंस हैं. व्हेन एन ओरल स्टेटमेंट इज एडमिसिबल अगेंस्ट ए डॉक्यूमेंट, उसके उन्होंने कंडीशंस प्रेस्क्राइब की हुई हैं, उसके अलावा नहीं. अदरवाइज ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड इफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज देयर. एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट फेमस डिक्टम ऑफ लॉ यू माइट हैव हर्ड दैट ए मैन मे टेल लाई बट डॉक्यूमेंट्स डू नॉट. करेक्ट. तो वो चीजें अलग हैं. अभी तक हमने जितना भी बोला वो डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर था. नाउ हैव यू गॉट द एविडेंस एक्ट, किसी के पास है, पढ़िए. सर एविडेंस डेफिनेशन. हाँ पढ़िए. एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन. विटनेस नहीं है भाई साहब. Witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. 2. All documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. Clear? Meaning thereby that all statements, what is a statement? A word of mouth. Popularly called oral statement. और डॉक्यूमेंट हमने अभी डिस्कस कर ही दिया. तो एविडेंस दो ही तरीके का कहा गया है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट. राइट. तो फिर सवाल उठा कि ये वही खंजर है, फिल्मों में डायलॉग होता था ना पहले, जो महबूबा ने आशिक की छाती में उतार दिया और मकबूल और मकतूल की लाश से बरामद हुआ. ये खंजर ओरल है कि डॉक्यूमेंट है? ये वही विसरा है. व्हाट इज विसरा? एनीवन नोज? बॉडी. बॉडी हैं? शरीर. कॉर्पस कहते हैं शरीर को, अगर मैं उसमें कहूं बॉडी. आदमी के मर जाने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो स्प्लीन, लिवर और किडनी को प्रोटेक्ट किया जाता है. इन तीनों अंगों को मिलाकर के विसरा शब्द का इस्तेमाल है, जिसको कि लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा जाता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सम पॉइजन और सम ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस और सम सब्सटेंस विच इज डिफिकल्ट टू डेलिटीरियस टू इनहेल. राइट. उसको विसरा कहते हैं. ये विसरा डॉक्यूमेंट है कि ओरल है? रोज कोर्ट एग्जिबिट करती है विसरा रिपोर्ट. ही आ गई जी, और ये विसरा बॉक्स है. हाँ रिपोर्ट तो डॉक्यूमेंट हो गया ना. रिपोर्ट जो है डॉक्यूमेंट तो हो गया, लेकिन वो सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है. व्हाट एवर द एक्सपर्ट स्पीक्स फ्रॉम हिज माउथ दैट इज द गलत फहमी मत रहना. कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कोई विसरा रिपोर्ट, कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट, कागज पर लिखी हुई रिपोर्ट एविडेंस नहीं है. इट इज द वर्ड ऑफ द माउथ ऑफ द एक्सपर्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स बिफोर द कोर्ट. तब वो क्यों लिखता है जी उस रिपोर्ट को? जस्ट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी. करेक्ट. तो इसलिए आप मुझे बताइए, ये विसरा स्प्लीन, किडनी और लिवर, ये डॉक्यूमेंट है कि ओरल है? ये वही रिवॉल्वर है जिससे गोली चली और मौके पर जो खाली कारतूस मिला, एम्प्टी माया गया, उससे मिलान करने पर पता चला कि इसी से फायर हुआ था. ये रिवॉल्वर, वो एम्प्टी और गोली, ये डॉक्यूमेंट है कि ओरल है? रिवॉल्वर डॉक्यूमेंट हो गया, एक लोहे की बनी चीज है. भैया तुक्के मत मारो, मैं तुक्कों में विश्वास नहीं करता, इसलिए बड़े बारीक सवाल मुझे स्पेसिफिक सवाल चाहिए. ₹1000 इनाम है इस सवाल का, जो उस दिन आप कह रहे थे मैंने पूछा. दूंगा उसी को जो फर्स्ट पर्सन बोलेगा, बिल्कुल ठोस बोलेगा और व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ दिखाएगा मुझे. हवा में गोले मत दागिए प्लीज. अगर मेरा स्वर तेज हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अदालत में भी ऐसे ही कर दिया करता. ये
बैठे हैं हमारे शर्मा जी साहब, फालतू नहीं, कॉमन सेंस ज्यादा लड़ाइए, लॉ पे मत घुसने की कोशिश कीजिए। भाई कैसे इसको तुम डॉक्यूमेंट कह सकते हो? प्लास्टिक की बनी पानी की बोतल है, पानी को कैसे कह सकते हो तुम ओरल या डॉक्यूमेंट? अब केस प्रॉपर्टी आ गई, तो केस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, केस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने समथिंग टू बी पजेस्ट, प्रॉपर्टी वर्ड पजेशन से निकला, समथिंग बी पजेस्ट, समथिंग विच इज टेंजिबल, विच कैन बी टच्ड, रिमेंबर इवन एयर इज टेंजिबल बिकॉज वी फील इट, वी कैन क्लोज इट इन आवर हैंड्स, समथिंग टेंजिबल, केस प्रॉपर्टी इज टेंजिबल, टेंजिबल प्रॉपर्टी ओरल है के डॉक्यूमेंट है। मुझे तो ये पूछना है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अभी पढ़ी ली, और ओरल ओरल आप बोल ही रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ ओरली, डॉक्यूमेंट है सर, डॉक्यूमेंट है सर, अभी पढ़ ली भैया, कौन से सब्सटेंस पे क्या चीज लिखी हुई है, एनी मैटर बता दे, डॉक्यूमेंट में कहां से आ गया? थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, अगर ध्यान से पढ़ा होता डेफिनेशन को, इसलिए एविडेंस एक्ट लेके आया करो अपना अपना, इतना तो खर्चा किया ही करो ताकि सब लोग फिर ध्यान से पढ़ें। नहीं, तो सारे बच्चे ले गए पढ़ते नहीं करा, कह रहा सर वो कि एक्सप्रेस्ड है वो या मार्क्स है उसमें, कुछ ऐसे जो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये रिवॉल्वर पे उसमें कुछ ऐसे मार्क्स है जो खाली गोली है, तो अपने आप एक मार्क है सर जो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। यार मैं अपना एविडेंस एक्ट लाया था, कहाँ गया? ये देखो मेरे पास ये 167 धारा का लिखा हुआ एविडेंस एक्ट है दोस्त, मैंने अभी कहा था मुझे इन्फ्रेंसेस मत दीजिए, इन्फ्रेंसेस में मैं आपसे बहुत आगे जा सकता हूँ, मैंने यही तो कहा था, तुम्हारे में और मेरे में सिर्फ डिफरेंस है, आई माइट हैव रेड एविडेंस एक्ट फॉर 20 टाइम्स, यू माइट बी रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सम ऑफ यू राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज टुमारो यू मे बी ए बेटर एक्सप्लेनर देन माई सेल्फ, देन वेरी ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी और द जूरिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो एविडेंस का थोड़ा बहुत एक इशारा कर देता हूँ, और मैंने पहले उसमें किया भी था इशारा, ये हेलो जी हाँ बताइए जी जी अच्छा विच विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर ऑन। गवर्नमेंट खुद ही तो जज बनाने का ऑफर देती है रिटायरमेंट के बाद, और खुद ही वहां से कहते हैं जी कि वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इंटरव्यू लेना था वो डिफर कर दिया गया, भाई बुढ़ापे में ठंड ज्यादा होती नहीं आ पाए होंगे, जैसे कहते हैं टाइम रखा 8:30 का, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही इतनी ठंड में निकलने की, तो 8:30 में वो कहाँ से आ जाते। तो शुरुआत के भी लेक्चर्स में जो लोग थे सावधानी से मैंने कहा था मैक्सवेल है, लिख लीजिए MAXWELL, इस किताब को लाइब्रेरी में मंगवा लीजिएगा, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन राइट, इसकी कम से कम 5 कॉपी होनी चाहिए ताकि एक स्टूडेंट बिजी हो तो दूसरा उसको पढ़ सके उस समय पर उस किताब को। ये मैक्सवेल लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन आप जरूर ला के रखिए, अगर आप सीधे लॉयर हैं आप कहेंगे जी इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, पढ़ रही है ना आप जरूरत, बता नहीं पा रहे हो कि खंजर क्या है, बता नहीं पा रहे हो कि रिवॉल्वर क्या है, बता नहीं पा रहे हो खून से सनी चादर क्या है, बता नहीं पा रहे हो ये पानी की बोतल क्या है, पड़ गई ना इंटरप्रिटेशन की जरूरत। हमारा ये सोचना कि मैं कैसे करूं, वैसे तो सही बात है 4 पैसे जेब में आते रहे तो बाहर में गई पढ़ाई कर लेंगे, शर्मा जी फीस मेरे पास आ जानी चाहिए, हैड आई लक ऑफ मिस्टर विनोद शर्मा, ठीक है हाउ एवर आई मे बी हैविंग गुड नॉलेज फ्रॉम हिम सॉरी फॉर थिंग, लेकिन लक होता है आदमी का, मैंने बताया था वकालत और मवक्किलाने में सिर्फ एक उंगली का अंतर होता है और वो ये है,
कानून वकालत यहां से आता है, आंख से जितना पढ़िएगा, और मवक्किल कर्म से आता है, किस्मत से आता है, ठीक है। इनका आपस में कोई मेल नहीं है। मैक्सवेल की लॉ इंटरप्रिटेशन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, यहां लिखा है डेफिनेशन के अंदर, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, बस इसी से खत्म हो गया। Whenever the word in any of the legislation uses the expression means and includes, denotes, communicates or declares that whatever has been said inside the section is not exhaustive, it is inclusive, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कुछ और चीजें भी शामिल हो सकती हैं, means and includes. And whenever the word means and includes is there, it means whatever has been followed, has been said followed in the following words is not a definition, is a description. Remember, ये evidence की definition नहीं है, section 3 में जो Sir Stephens ने लिखी, it is a description. That evidence ये होता है oral or document. That's why he used the expression means and includes. आधा जवाब मैंने दे दिया, कहिए सज्जन क्या समझ में आया? मैंने कोई खींचातानी तो नहीं की ना शब्दों से, मींस एंड इंक्लूड्स से ये निकलता है, दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव। दूसरा, मैंने बहुत पहले ही दिन पूछा था, हॉस्टाइल वर्ड सुना है, एग्जिबिट, मार्क, ये वर्ड सुने, दिखा सकते हो मुझे एविडेंस एक्ट के किसी उसमें लिखे हुए? रोज हो रहा है अदालत में, रोज सिर फोड़ते हो आपस में तुम दोनों वकील, सिविल में और क्रिमिनल में, कि ये पीपी साहब इसको एग्जिट कैसे कर रहा है, या डिफेंडेंट का काउंसिल जो है इसको एग्जिबिट कैसे कर रहा है, तो मार्क होगा जी। रोज सिर फोड़ते हो, किस बात के ऊपर सिर फोड़ रहे हो? जो कहीं लिखी नहीं हुई कानून में, हॉस्टाइल हो गया विटनेस, बरी करो जज साहब, हो गया जी हॉस्टाइल, कई वर्ड यूज नहीं है हॉस्टाइल। तब मैंने बताया था, स्टिल देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस इज ए वाइडर टर्म ऑफ विच इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज ए स्पेसी, वो जीन्स है, ये स्पेसी। हमने इसको कोडिफाई इसलिए कर दिया कि हमारे इंडिया में परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, और एक ब्रिटिश सरकार थी, दूसरे उसकी थी, उनका काम था अपना काम चलाना, हमारे इंडियन से उसको कुछ लेना देना नहीं था, इन्होंने कोडिफाई कर दिया। अदरवाइज जब आप कॉमन लॉ में कोई भी मुकदमा इंग्लैंड में चलेगा, मैं भी बताऊंगा आगे काफी केसेस में, वहां क्या होता है, कम से कम 3000 केस खोजते हैं जब पता चलता है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर लॉ क्या है। मीन्स एंड इंक्लूड्स, दैट दिस डेफिनेशन इज नॉट exhaustive, there are so many things which are also included in evidence, in the definition of evidence, correct? अब आइए substantial इस definition के ऊपर देखते हैं कि law कैसे कैसे develop हुआ और किस किस तरीके का हम इस word evidence को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे, अरे यार तेरे पति को ना मैंने फलाने के साथ देखा, फलानी के साथ देखा, तो वो छूटते ही जो बहुत ज्यादा बेचारी सनातन धर्मी होगी वो पूछेगी क्या सबूत है तेरे पास, ठीक है। यहां सबूत को वो उस आदमी को जिससे उसके, इस औरत को जिससे उसके आदमी के संबंध हो सकते हैं, उसको सबूत को ये एज नाउन इस्तेमाल कर रही है, क्या सबूत है तेरे पास, एज नाउन, इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन, संज्ञा शब्द इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और इट हैज बिकम एविडेंट, यहां हमने इसको वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया, यह सिद्ध हो चुका है कि यहां हमने इस तरह से इस्तेमाल किया। कहीं हम जब कहते हैं कि इसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, यहां एविडेंशरी एडजेक्टिव हो गया, जो विशेषता बताता है कि वट एवर फैक्ट आई एम सेइंग हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, कई तरीके से यूज कर। अब मैं आपको एविडेंस के विस्तार में ले चल रहा हूं, इस चीज को बस समझ लीजिएगा, बाकी जो है चीज मैं कम भी अगर लेक्चर दे पाया तो बाकी चीज समझने में आपको पूरे एक्ट में कोई कठिनाई नहीं आएगी।
इसलिए शर्मा जी मैं थोड़ा सा इस पे जाऊंगा। अदरवाइज वकील साहब पीछे आपसे बात कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ दी, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कहीं नहीं आ रहा। द वर्ड एविडेंस कंसीडर इन In relation to a law includes all the legal means excluding of mere arguments. याद रखिएगा, इतनी definition wider कर दी गई common law में, it includes all the legal means excluding mere oral arguments, जो आप अदालत के सामने करते हो। तो और भी means जिनका आप सहायता लेते हो, similes देते हो, और मैंने क्या बताया था, इंडियन एविडेंस जो भारतीय संस्कृति में रहा है, अनुमान प्रमाण, अनुभव प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, ये इस तरह के प्रमाण रहे हैं। तो जितने भी आप मीन्स का इस्तेमाल करते हो वो सब एविडेंस में इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज नॉट एन एविडेंस बिकॉज यू आर डेवलपिंग योर आर्गुमेंट इन ए पर्टिकुलर इशू बेस्ड अपॉन सर्टेन एविडेंस, राइट, विच टेंड टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर ऑफ फैक्ट। All the means, legal means, which tend to prove or disprove any matter of fact, the truth of which is submitted to judicial investigation. ये definition की है। When an issue is submitted for judicial investigation, कि जब inquiry करके एक नतीजे पे पहुंचे कि ऐसा है या वैसा है, this way or that way, then by all means which we are establishing a particular issue from our point of view is एविडेंस। ये डेफिनेशन दी गई, इसीलिए मैंने बताया द टर्म एंड द वर्ड प्रूफ पी आर डब्ल्यू एफ प्रूफ आर ऑफन यूज एज सिनोनिमस बट द लेटर इज अप्लाइड बाई एक्यूरेट लॉजिशियंस रादर देन टू इफेक्ट ऑफ एविडेंस देन टू एविडेंस इटसेल्फ। लेकिन प्रूफ जो है वो एविडेंस नहीं है, हम लोग इसको सिनोनिमसली इस्तेमाल करते हैं मिस्टेकली, बट प्रूफ एंड एविडेंस आर सर्टेन थिंग्स। प्रूफ आर पीसेज ऑफ एविडेंसेस विच आइदर ओरल डॉक्यूमेंट वी प्लेस एंड देन इट क्रिएट्स एन एविडेंस एंड एविडेंस इज अगेन हैविंग एन एविडेंशियरी वैल्यू। दीज आर थ्री सेपरेट थिंग्स, डू नॉट कंफ्यूज इन बिटवीन द थिंग्स। द एविडेंस हैज बीन डिफाइंड टू बी एनी मैटर ऑफ फैक्ट। मैं ये जूरिस्ट की कई जूरिस्ट की डेफिनेशन आपको पढ़कर बता रहा हूं जो मैंने रिसर्च से कई जगह से निकाली है। The evidence has been defined to be any matter of fact, the effect, tendency or design of which is to produce in the mind a persuasion, affirmative or disaffirmative, of the existence of some other matter of fact. जब मैं आपको persuade करता हूं कि you should believe that this is a cap of the pen, right? So either I am affirming it or I am disaffirming, but I am persuading to have your mind to decide what this object is, then it is an evidence. ये definition बहुत से jurist जो है करते हैं कि to create a persuasion in the mind of a judge or in the mind of any person, यहां तो word उन्होंने person ही use किया है, जिसकी tendency क्या होनी चाहिए कि a persuasion affirmative or disaffirmative of the existence of some other matter of fact, right? एक चेन होती है, जब भी हमारे आसपास कोई घटना घटती है वो अकेली एक फैक्ट नहीं होता, इट्स अ ट्रेन ऑफ फैक्ट्स, इट्स अ चेन ऑफ फैक्ट्स, राइट। देन वन फैक्ट, देयर वाज अ रेन, ब्लड वाइप्ड अवे, ये एक ट्रेन बनी, इसलिए द वाइप द ब्लड कुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द स्पॉट बिकॉज देयर वाज अ रेन। एंड थर्ड थिंग विच यू कैन डिसाइफर दैट द स्पॉट वॉज इन ओपन स्पेस वेयर द रेन कैन फॉल। समझ गया ना, कितने ट्रेन ऑफ चेन्स फैक्ट की एक पर्टिकुलर फैक्ट से निकलती हैं। तो जो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए परसुएशन के रूप में दिया जाता है उसको एविडेंस कहते हैं। क्लियर इन माइंड, राइट। Evidence means the testimony, whether oral or documentary or real. यहां वर्ड वो रियल कर रहे हैं, देखिए कॉमन लॉ में एक वर्ड एक टर्म और है, oral, documentary and real, which may be legally received in order to prove or disprove some fact in dispute. ये फिफ्सन ने
अपनी किताब लॉ ऑफ एविडेंस में लिखा है, ठीक, बहुत मशहूर राइटर हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली एविडेंस एक्ट को लिखते हैं। आपको माइंड पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं इस एक्ट को आपको कहानी के रूप में, चुटकुले के रूप में, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में इसको आपको कम्युनिकेट कर दिया जाए। अब ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट क्या है एविडेंस का, व्हाट इज एविडेंस, ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट, ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ एविडेंस इन द केस ऑफ एन ओरल टेस्टिमनी इज दैट द पार्टी अगेंस्ट हुम इट इज यूज्ड हैज हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेसेस। Any statements made by them can only be described as statements, but cannot be dignified with the name of evidence. एक किसी ने बयान दिया, right? लेकिन उसका cross examination नहीं हुआ, तो वो statement तो हो सकता है, लेकिन evidence नहीं हो सकता। अब आप समझ गए? Evidence means and includes. देखिए उन्होंने किस तरीके से oral statement को भी नकार दिया इस jurist ने। और बहुत बढ़िया उसने एग्जाम्पल देकर के बड़ा प्लेन एग्जाम्पल दिया। इन आवर लॉ अनलेस एंड अंटिल द स्टेटमेंट इज टेस्टेड और इट्स वेरासिटी इज टेस्टेड बाय द मींस ऑफ पावरफुल बायस मींस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बात मैं उसके बेंथम और जेम्स मिल जिन्होंने ये बनाया लॉ एडवर्सरी सिस्टम और एविडेंस एक्ट बनाया, उनके सामने उठी थी। उनका कैन देयर बी, आप लोगों में से अगर मैं सिंपल सवाल पूछूं, कैन यू सजेस्ट एनी सब्स्टिट्यूट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, हाउ टू नो द ट्रूथ एवरी केस विद विच यू आर डीलिंग, देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑफ ट्रूथ, वी हैव टू रीच द ट्रूथ, वेयर लाइज द ट्रूथ। और बहुत बढ़िया कहा किसी जज ने, पार्टीज नो द ट्रूथ, इट इज द ब्लडी जज हु इज पुट टू स्टे। पार्टीज को सच पता होता है और वो जज जो है वो स्टेज पर चढ़ जाता है और फिर ताली बजा के हंसते, देख कैसा बेवकूफ बनाया। वंस अपॉन ए टाइम हम कहां करते थे इस बात को अपनी तीसरी की उसमें, जब हमारी माँ है ना वो, ये तो सब बाद में बनी, ठीक है, उसमें हम यही कहा करते थे 100 रुपये टिकट लगती थी, आजकल कितने की लगती है, है तो 125 की, लेकिन लगानी 150 की पड़ती है, 25 पैसे का टिकट बंद कर दिया उन्होंने शायद, उस समय 125 रुपये की लगती थी, तो 25 पैसे का टिकट बराबर का आता था, जितने का 1 रुपये का आता। तो कहते हैं कि कहां से आ रहा है, कहता कुछ नहीं 125 रुपये की टिकट लाई है, पंजाबी डोमिनेशन था उस समय तीसरी में, 125 रुपये की टिकट लाई है, जज ने उत्ते धक दी थी मैंने, नचेगा वो दरकाने की बड़ी नचेगा। तो ये एविडेंस है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्रॉस एग्जामिन कर लिया तो वो एविडेंस बन गया वो स्टेटमेंट, लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया वो स्टेटमेंट तो है लेकिन एविडेंस नहीं है। और इसीलिए सेक्शन 1 ऑफ द एविडेंस एक्ट में एफिडेविट को एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि जब आप एफिडेविट देते हैं तो जो आपके माइंड में ट्रूथ होता है यू आर जस्ट डिपोजिंग टू दैट एक्सटेंट एंड यू आर नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड। किसी मान लीजिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप दे देते हैं उसको लिख करके एफिडेविट दे देते हैं अपना, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन तो नहीं होता। एफिडेविट मे बी ए स्टेटमेंट ऑन ओथ, बट इट इज सर्टेनली नॉट पीस ऑफ एविडेंस, एंड दैट इज वाई सर स्टीफन्स लेट डाउन इन सेक्शन 1 दैट दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट, करेक्ट। Oral and documentary and electronic records in a criminal matter, evidence may be by way of electronic records. This would include video conferencing also. तो ये अभी बड़ा लेटेस्ट 2003 का सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वो बोले थे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रफुल्ल देसाई के अंदर उन्होंने ये लेट डाउन किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एविडेंस। लेकिन लेटेस्ट व्यू ये आया है, ये जो गूगल के जो ओपिनियंस आते हैं, क्या कहते हैं उनको, गूगल रिव्यूज जो आते हैं, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा, मैं उस फैसले को मानता हूं और उसको मैं उस पर लाइव लॉ पे पढ़ रहा था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा गूगल रिव्यू इज नॉट ए पीस ऑफ एविडेंस। उसमें ये हुआ था कि किसी लेडी ने कोई केमिकल खरीदा था, उस आदमी ने केमिकल की पार्ट जो था वो सप्लाई कर दिया, उससे पेमेंट पूरा ले लिया, वो सप्लाई नहीं किया, उसने क्लेम किया कोर्ट में और उसने डिफेंडेंट की रेपुटेशन को गूगल रिव्यू से दिखाने की कोशिश की कि ये सबके पैसे मार गया इसी तरीके से। कर्नाटक हाई कोर्ट सेड नो, दिस इज नॉट सपोज टू बी पीस ऑफ एविडेंस विच वी आर नॉट रिलाइंग ऑन इट, एंड दे हैव लेटेस्ट इन ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर उनका ये लेटेस्ट व्यू जो है ये चल रहा है।
फिर आगे चलें. वर्ड एविडेंस डज नॉट मीन एवरीथिंग दैट द कोर्ट हैज बिफोर इट. ये भी ध्यान रखिएगा. इतना कचरा हम कोर्ट में डालते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सारा जो सारा का सारा जो है वो एविडेंस है. इसको समझते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया गया. देर आर सर्टेन अदर मीडिया ऑफ प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज, रिजल्ट ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट हैज टेकन जुडिशियल नोटिस, एनी रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी, द इंस्पेक्शन ऑफ विच मे बी मेटीरियल इन डिटरमिनिंग द क्वेश्चन ऑफ एट इशू, सच एज वेपन्स, टूल्स, स्टोलन प्रॉपर्टी एटसेट्रा. राइट. टेक्निकली स्पीकिंग, ये जो लोकल कमीशन की रिपोर्ट होती हैं, ये जो आती हैं, लोकल कमीशन जो देख के आया है, वो तो सेकेंडरी हो गया ना. अदालत ने उसको अपनी आंख बना करके भेजा मौके पर, वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन मेटीरियल तो रिकॉर्ड पर है. लेकिन वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि लोकल कमिश्नर खुद आकर के डिपोज नहीं करता कि यस आई वेंट टू स्पॉट, आई ऑब्जर्व दीज थिंग्स एंड विच आई क्वालिफाइड और विच आई स्क्रिप्टेड इन माई रिपोर्ट, दैट इट बिकम्स ए डॉक्यूमेंट. इस तरीके से आप इन चीजों को समझिए. बहुत चीजें होती हैं कोर्ट के सामने जो कि सब जो है एविडेंस नहीं होता डेफिनेशन के मुताबिक. अब मैं जो कुछ लाइनें बोलूंगा, ये जजमेंट्स के अंदर इनको एविडेंस नहीं माना गया, हैड नॉट एविडेंस. राइट. स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड बाय एक्साइज ऑफिसर्स आर नॉट एविडेंस. ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इट इज नॉट एन एविडेंस. जो न्यूज़पेपर में आता ना, आज प्रॉपर्टी के मार्केट रेट ये चढ़ गए, गोल्ड का भाव ये हो गया, दीज आर नॉट एविडेंस. डेफिनेशन ऑफ एविडेंस हेल्ड इनकम्प्लीट एज इट डज नॉट इंक्लूड द होल मटीरियल ऑन विच द डिसीजन ऑफ द जज मे रेस्ट. तो ये डेफिनेशन के अंदर अब ये भी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है कि डेफिनेशन में वो सारा मटीरियल नहीं आ जाता जिन पर कोर्ट रिलाई करके अपना फैसला देता है. बहुत सी चीजें ऐसी होती. इसलिए ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ एविडेंस और इंडियन एविडेंस एक्ट का डिफरेंस. मैं बार बार इस चीज को समझाया चलता हूं. ये सब डिसाइडेड केस बोल रहा हूं मैं. राइट. जिसका कहेंगे उसका वो कर लिया जाएगा. अब एक बड़ी चीज है, एक केस में, क्रिमिनल केस में गवाही चल रही थी. गवाही चलते चलते पता चला कि रामलाल के साथ श्यामलाल भी था इस कत्ल में. तो क्या अदालतें श्यामलाल को बुला सकती हैं एज एन एक्यूज? कौन सा प्रोविजन है? जी मैंने कत्ल कहा, मुझे नहीं पता कत्ल क्रिमिनल होता है कि सिविल होता है. आई डोंट नो. 319 का है क्या आईपीसी का? तो पूरा बोलो ना दादा, ऐसे नहीं वकील कहे नहीं. 319 सीआरपीसी, ठीक है. 319 सीआरपीसी में क्या वर्ड यूज है? अगेन एविडेंस वर्ड यूज है वहां पर. Whenever an evidence comes against any other person who has not been arrayed as an accused in the case, the court, the sessions court may summon. Magistrate की power यहाँ ज़्यादा होती है. Magistrate तो चार sheet पर ही summon कर सकता है जिनको छोड़ दिया गया है. लेकिन session court की power नहीं है summon करने के. Remember it. They have to wait till the evidence comes on record. अब ये evidence क्या है? अभी हमने कहा था cross examination के बिना हम evidence नहीं मानेंगे, वो statement हो सकता. और 319 सीआरपीसी क्या हमको परोस रहा है? व्हेनेवर एनी एविडेंस कम्स, वो बेचारा जो थर्ड पर्सन है जो सामने ही नहीं है कोर्ट के, उसके खिलाफ एविडेंस आ रहा है और ये वर्ड यूज किया जा रहा है 319 सीआरपीसी. तो क्वेश्चन है कि क्या ये एविडेंस माना जाएगा जो उसको समन किया जा रहा है उस एविडेंस के बिना के ऊपर, उस एक्यूज को जो कि पुलिस ने उसको चार्जशीट में नहीं लिया या जो मुलजिम ही नहीं था किसी तरह से उसको मुलजिम बनाया जा रहा है. क्या कहेंगे आप? तो ये लिखिएगा अरुण दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1991 क्रिमिनल लॉ जर्नल 840 पेज 840. ये एमपी मध्य प्रदेश की जजमेंट है, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छे डिस्टिंक्शन से इसको समझाया है कि व्हाट डज द वर्ड. मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कह दिया था एविडेंस sometimes used as noun, sometimes used as adverb,
sometimes used as verb, sometimes used as adjective, right? तो उन्होंने इस डिस्टिंक्शन में जाकर के जजमेंट पढ़ने वाला है, जिन भी जज ने इसको ऑथर किया है, बड़ा ब्यूटीफुल रिटन जजमेंट, राइट, जो आपका माइंड खोल देगा एकदम. वही मैंने बता दिया, आप उस एविडेंस पर 319 में समन कर रहे हो जो उस आदमी ने उसको क्रॉस एग्जामिन किया ही नहीं है अभी, और आपने उसको समन कर लिया और बाकायदा उसकी जमानत रिजेक्ट करते हैं, उसको जेल तक भेज देते हैं, ठीक है कि नहीं. स्पीचेस ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स नॉट एविडेंस, पर्टिकुलरली व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग एनी इनएक्टमेंट इन क्वेश्चन. समझिएगा, वेन एवर एनी इनएक्टमेंट इज चैलेंज्ड, हमारे इंडिया में तो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज होती है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर आप लोअर कोर्ट के अंदर भी किसी भी सबपॉइना रिट ऑफ सबपॉइना या सिविल सूट को वहाँ सबपॉइना रिट्स कहते हैं, ठीक है, वहाँ उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसमें बाकायदा इसी तरह की गवाहियाँ होती हैं, तब जाकर के ये डिसाइड होता है कि ये इनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है. अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर उसी तरह से डिसाइड होता है, समझ गए ना बात को. तो इसलिए हमारे यहाँ पर उनको एविडेंस नहीं मांगा गया है. तो मिनिस्टर्स ने क्या कहा लेजिस्लेटिव फ्लोर के ऊपर, दिस इज नॉट एन एविडेंस. अब देखिए, वो लड़की को घसीट दिया 13 किलोमीटर तक, क्या आ रहा है अखबारों में, सारे मीडिया में, पुलिस एविडेंस जुटा रही है. कितना भ्रामक शब्द है, मिसलीडिंग टोटली. तो ध्यान रखिए, जब तक चार्जशीट आती है, इन्वेस्टिगेशन आती है, उसको आप मिसनॉमर टर्म्स से एविडेंस कहते हैं, उसमें एविडेंस नहीं होता. एविडेंस तो कब शुरू होगा, जब पीडब्ल्यू वन आ जाएगा सामने, ठीक है क्या, और जब मैं उसको क्रॉस एग्जामिन कर लूंगा तब जो है वो एविडेंस बनेगा. इसलिए ध्यान रखिएगा, चार्जशीट हैज नॉट बीन हेल्ड एज इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हेल्ड एज नॉट एविडेंस. इसमें ये बोलना चाहिए ना सर कि प्रूफ्स इकट्ठे कर रही है पुलिस. जी, अब आगे ना वर्ड प्रूफ, और प्रूफ का प्लूरल प्रूफ्स, तो प्रूफ्स इकट्ठे कर रही है, या और करिए वो फैक्ट्स इकट्ठे कर रही हैं जो कल को एविडेंस क्रिएट करेंगे कोर्ट के अंदर, सिंपल एज दैट. लेकिन साहब मीडिया चल रहा है, ट्रायल होता है, और आदमी का वो कर देते हैं. एक्सट्रीम केस एक सुनाता हूं मैं, ये पूसा इंस्टीट्यूट है हमारा कृषि का, यहां एक लड़की ने आरोप लगाया चार्ज हर अंकल चाचा सगे चाचा पर कि ही रेप्ड मी. उसे पुलिस ने उठा लिया, जब तक FIR वगैरह लिखी जा रही थी वो सब हुआ, और बाद में उसने खुदकुशी कर ली थाने के अंदर. पुलिस वालों ने इतना ध्यान नहीं किया, ही कमिटेड सुसाइड. जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला ही वाज हैविंग नो पेनिस, उसके पास वो मींस ही नहीं थे जिससे कि वो रेप कर सकता था. पूरे मीडिया ने उस चाचा की ऐसी वो है, अखबारों से लेकर के उस समय टेलीविजन चले ही चले थे, ऐसी भद मार दी कि उसको एकदम गिल्टी होल्ड कर दिया. अब उस मरे हुए आदमी ने हुआ ये था कि इस लड़की का जो बाप की डेथ हो गई थी, यानी उसके बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी, इसने उसकी वाइफ से शादी कर ली, इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह से उसने पाला था, और बेटी की तरह से पाला था, और उसने अपने भाई की जगह पर नौकरी ले ली, और उसने मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स को रिश्वत दे करके वो नौकरी हासिल कर ली, क्योंकि विदाउट मेडिकल तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकती, और उसमें आ जाता वेदर इज पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट आ जाता उसके अंदर निकल के, लेकिन नहीं हुआ, उसने ये करके वो नौकरी हासिल कर ली थी. ये बाद में आया, वो लड़की किसी लड़के से इश्क करती थी, जिस लड़के की बदतमीजियों को उसने अदरवाइज कहीं नोटिस कर लिया था, इसलिए वो कहता था बेटा ये तेरे को धोखा देगा, ये हरेक के साथ ऐसा करता है, तू ये मत कर, वो समझाता था उस लड़के के पास जाने से उसको. अब यहां पर लड़की ने इस बात से उस छुटकारा पाने के लिए अपने चाचा पर यह सबूत लगा दिया, और पूरी मीडिया ने उसको धो दिया. ये काम हम कर रहे हैं, और विद ड्यू रेस्पेक्ट लॉयर्स खूब जोर जोर से बयान देते हैं उसके लाउडस्पीकर के आगे बाहर आकर, बिना सोचे समझे.
रेकलेसली आप लोग बोलते हैं। जस्ट आपके पास एक पॉपुलर सा केस आ गया जो रिपोर्टिंग में है, तो आपके अंदर का जो है वो स्वेड कर जाता, बह जाता, जो आपकी एक इंसाइटनेस रहनी चाहिए, एक लॉयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, ओपिनियंस तक देते। अरे कहिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, दैट इज सफिशिएंट। मान लीजिए वो जिद भी कर रहा है आपसे कि भाई ये फैक्ट्स हैं केस के, नाउ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, नहीं उसमें बिल्कुल बताएंगे उसकी तरफ से। और इससे मैंने देखा है जजेस का माइंड भी स्वेड होता है। लक्ष्मण कुमार स्टेट ऑफ दिल्ली, एमसीटी दिल्ली में, याद है मुझे अभी तक, ये पहला केस था जिसमें 304B और 498A और 406 में फांसी की सजा दी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, और सेशन जज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी होल्ड कर दिया था। उनकी बेटी आजकल एडिशनल सेशन जज है, उन सेशन जज साहब की। उन्होंने क्या किया कि अपना फैसला सुनाया, फांसी की सजा दी सास ससुर इन लॉज को, फांसी की सजा दी, और उसी शाम को टेलीविजन की स्क्रीन पर किरण बेदी के साथ आकर के बैठ गए। महिलाओं के साथ ही हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट टुक इट वेरी सीरियसली, दिस अमाउंट टू कंटेंट, बिकॉज व्हाट इज एन अपील? अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल केस, ओरिजिनल ट्रायल, ओरिजिनल सूट। यू कैन नॉट कमेंट अपॉन इन ए पेंडिंग केस, दिस इज अ स्ट्रिक्ट लॉ। और आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर अपने को फन्ने खा बनने की सारी बातें, और किरण बेदी ने उसमें और घी डाला आग के अंदर, और वो चल रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में गिल्टी होल्ड कर दिया। जैसा जब इस केस की अपील गई, वो फांसी के खिलाफ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी को सेटिसाइड करते हुए उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जज साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट वाला जो पोर्शन था वो सेटिसाइड नहीं किया, स्टिल ही हैज बीन हेल्ड गिल्टी। मजाक हो जाए, तो ये चीजें जो चल रही हैं ये एविडेंस नहीं है, इसको आप वो चलें। तो अब तक हम वर्ड में चल रहे थे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की तरह, ठीक है। अब हम काइंड ऑफ एविडेंस में चलते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एविडेंस। हाँ बताइए सर, ये जो पहले आपने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जो जिसमें कि लक्ष्मण कुमार गिल्टी है, इसमें उनकी गलती ये थी कि उन्होंने मीडिया के सामने अपना जो फैसला सुनाया वो डिटेल में आने से पहले आ गए, देने के बाद उसकी बड़ाई कर रहे थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे, दिस इज ऑल्सो बार। वहां उसमें लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंस लिखा है जो हर लॉयर को याद रखना चाहिए, ए जज शुड नॉट बी स्वेड एंड गेट द फायर फ्रॉम द एयर गिवन बाय द मास मीडिया। अपने अंदर की आग को भड़काओ मत जज, कितना लगता है आसान, और कितने मर्द के बच्चे हैं, अगर सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लेडीज, ये कोई जेंडर बाय शब्द नहीं है, ये कहावत का वर्ड है, कितने मर्द के बच्चे हैं, इवन मैं लेडीज को कह रहा हूं। एक केस में आपके यहां हुआ अभी, सत्येंद्र जैन का केस पेंडिंग है, आई शुड नॉट कमेंट, लेकिन क्या हुआ, पहले तो उस क्या है यार पीएमएलए क्या कहते हैं उसको, ईडी, पहले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आपने हलवे परोस दिए, दामाद मान लिया, दे दिया उसका 20 दिन का रिमांड, 14 दिन का पुलिस रिमांड, बाप बना लिया ना अपना, कुत्ते के मुंह क्या कहावत है आगे, हड्डी नहीं खून लग गया, हड्डी में खून नहीं निकलता, खून उसका खुद का अपना निकलता, ठीक है, कुत्ते के मुंह खून लगा दिया आपने, और उसके बाद जब कुछ कनेक्शन नहीं हुआ और उसकी बेल की बात हो रही थी, अब ईडी को डर लगा कि तो बेल कर देगी, बड़ी बोर्ड लेडी है, बोर्ड लेडी पे एलिगेशन लग गए, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां दरखास्त लगी, केस ट्रांसफर होकर के दूसरे जज के यहां चला गया, क्या इज्जत रह गई। ए लॉयर एज वेल एज ए जज मस्ट नॉट लूज बैलेंस ऑफ माइंड, इतना मत झुकते चले जाइए, स्वेड हो जाइए भावनाओं में, अपनी इमोशंस के अंदर, कि आप जो है सोच ही नहीं रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और उसका नुकसान मुझे नहीं है, ये चीख क्यों रहा है बुड्ढा, इसलिए मुझे नुकसान नहीं है, तुम्हारी फीस पर असर पड़ेगा इस चीज का डायरेक्ट, कल से लोग भरोसा करना बंद कर देंगे, याद रखिए, और कर रहे हैं। पहले लॉयर को कंसल्ट किया जाता था कि वकील साहब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आपने विक्टिम से बात करी हो, आज विक्टिम जो है डायरेक्ट तर्क देते हैं, सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिठाया जाता है जिनको कुछ नहीं पता कि लॉ किस चिड़िया का नाम है और किस पेड़ पर लगती है,
और वो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, वो सब देते हैं, इसका इनडायरेक्टली आप लोगों को बड़ा हानि होने जा रही है। एक की फाइल उठ करके दूसरे के यहां जाएगी, जो ज्यादा बेवकूफ बनाने में सफल हो जाएगा। तो अगर बेवकूफी का नाम ही वकालत है, मुबारक हो आपको। लेकिन हमारे यहां हमने जिन उस्तादों से सीखा, उन्होंने थोड़ी सी वो मेंटेलिटी रखी कि कभी भी जब ये पता चले कि दूसरे के यहां से ये इसलिए उठ करके केस आ रहा है मेरे पास, तो वो लेने से इनकार कर दिया करते थे। और अगर बुजुर्ग होते थे तो वो जाकर के राजीनामा करा देते थे उसी मुवक्किल का उनका। ये दिन हमने आंखों से देखे हैं और सीखे हैं। ये नई पीढ़ी इस चीज को नहीं समझ रही कि मैं कितना जल्दी मैं फेमस हो जाऊं। प्रसिद्धि के लड्डू सबको बढ़िया लगते हैं, लेकिन पिछवाड़े में से वो जब वॉशरूम में निकलते हैं ना, वो बड़े खराब निकलते हैं। याद रखना इस बात को, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन बड़ी सच्ची बात है ये। आइए चलते हैं आगे। तो अब हम काइंड्स ऑफ एविडेंस पे चलेंगे। तो कितने तरीके के एविडेंस होते हैं? एक तो ये तरीका आपने समझ लिया, एक तो ओरल और ये डॉक्यूमेंट कह दिया। अब यहां काइंड्स ऑफ एविडेंस चल रहा है कि परोसने के तरीके। अभी मैडम ने बड़ा अच्छा किया, प्रूफ इकट्ठे करना। प्रूफ इकट्ठे करने के कितने तरीके, कितने तरीके बताएं? और इनडायरेक्ट वर्ड नहीं है, डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। तो लेट अस गो। मैंने क्या कहा तुमसे, ये डेफिनेशन क्लॉज जिस दिन समझ गए, आप लगभग आधे एविडेंस एक्ट में, अब तो केवल धाराएं रह जाएंगी आगे की, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आधे एविडेंस एक्ट पे आप कवर होने जा रहे हैं। ठीक है, इसी एविडेंस की डेफिनेशन में से अब काइंड्स ऑफ एविडेंस पे निकलता है कि एक है डायरेक्ट एविडेंस। व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? ही हु परसीव्ड द फैक्ट फ्रॉम हिज सेंसेस। छोटी सी डेफिनेशन, डायरेक्ट एविडेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु परसीव्ड द थिंग्स फ्रॉम हिज ओन सेंसेस। इट इज द बेस्ट एविडेंस थ्योरी ऑफ। What is best evidence? The person who says that he heard it, he must be produced in the witness box. The person who says he saw it, he must be produced in the witness box. The person who says that he touched it, he must be produced in the witness box. तो आपके जो पांच senses हैं, पांच senses से जो भी आपको grasp होता है, वो grasping जो है, वो आदमी direct आकर के court में कहेगा, तभी वो direct evidence माना जाएगा। इसी के best evidentiary theory भी है। बेस्ट एविडेंशियल थ्योरी में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। वहां क्या है डॉक्यूमेंट के सेंस में क्या होगा बेस्ट एविडेंस? डॉक्यूमेंटेड सर, खत्म बात। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। बेस्ट एविडेंस इज डॉक्यूमेंटेड सर। जब डॉक्यूमेंट नहीं है तब उसका सेकेंडरी एविडेंस होगा, राइट? आइए हम चलते हैं। बेस्ट एविडेंस इज डायरेक्ट एविडेंस, याद रखिएगा। But it is equally true that a witness may lie. कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। सुना है कहावत है? तो क्या हुआ जी उस चश्मदीद गवाह का, प्रत्यक्षदर्शी का, चक्षुदर्शी का, यही तो कहते हैं हिंदी में। उसका क्या हुआ? जो कुछ उसने देखा वो ठीक नहीं था। हाँ? आज YouTube देख रहा था, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में एक डुप्लीकेट राहुल गांधी चल रहा था। भाई कमाल हो गई, अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। लोग उसके पीछे पड़ गए। ही वाज़ ए पर्सन फ्रॉम, ही वाज़ ए जाट फ्रॉम मेरठ, राइट? एंड उसने कहा कि, उसने पत्रकार ने पूछा कि आपको इससे मतलब इससे राहुल गांधी जी को क्या लाभ हुआ? कहता क्यों आप ये माइक लेके मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, लाभ ही लाभ है। और वो जब वो बोला तो उसकी विद्वता का मुझे पूरा अंदाजा हो गया, बिल्कुल मेरठ या अंदाज में उसने आंसर दिए। बट ही वॉज कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी। वो उनकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन हमने बिना दाढ़ी के भी उनको देखा, तो हमने देखा बात को, तो कभी नहीं है। इसलिए कहा बट ए विटनेस मे लाई बट नॉट दिस सर्कमस्टांसेस। ध्यान रखना डॉक्यूमेंट के लिए क्या कहा गया, ए मैन मे टेल लाई बट डॉक्यूमेंट डू नॉट। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के संदर्भ में कहा गया कि मैन मे लाई बट सर्कमस्टांसेस डू नॉट, राइट? डायरेक्ट ocular evidence, ocular माने oral, direct ocular evidence is not necessary for proving who the person behind the crime. जरूरी नहीं है कि जब चश्मदीद मिलेगा तभी हम साबित कर पाएंगे किसी केस को। सर्कमस्टांसेस ने ऐसे ऐसे केस साबित किए हैं कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, उसको बस रिमाइंड करता चलता हूं कि एक रिवर बैंक पर सैंड पर एक फुट स्टेप मिला
और उस फुट स्टेप से उसने बिल्कुल डिटेक्ट कर दिया कि हु इज द थीफ इज करेक्ट. और मैंने शकुंतला और उसके हस्बैंड का भी वो दिया था जिसने शकुंतला के फुट स्टेप से बता दिया कि ये शकुंतला का फुट स्टेप है, वो प्रेग्नेंट है और उसने इस समय पर जब समय यहां से गई है तो एक पिचर जो है वो अपने लेफ्ट वेस्ट के ऊपर रखा हुआ है. इतना तक उसने डिटेक्ट कर दिया उसको. तो ये क्या था उस समय? अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण मैंने आपको बताया था. तो ऐसा नहीं है कि एविडेंस एक्ट्री है चूंकि अंग्रेजों ने हमें दिया इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको. हमारे यहां भी बहुत पुख्ता इंजाम इन चीजों के रहे हैं. और याद रखें चाणक्य ने आर्ट ऑफ पोस्टमार्टम के बारे में, उसने आर्ट यूज किया पोस्टमार्टम के बारे में. ये जो कॉज ऑफ डेथ को जानना है ये बहुत पहले से हमारे यहां प्रचलित है. ये सांप के जहर से मरा या ये फलानी चीज से मरा या उससे मरा, ये अनुभव वैद्यों का और उस समय के चिकित्सकों का, डॉक्टरों का और जो क्या होते थे गांव के सिपाही जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, थानेदार होते थे, वो सब इस बात को डिटेक्ट करते थे उस समय. इट कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस आल्सो, राइट. लेकिन ध्यान रहे एज एविडेंस देर इज नो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल. दोनों ही क्या है? एविडेंस है. ये ध्यान रहे इस बात राइट. लेकिन ये क्यों हमने इनको नाम दे दिए कि थोड़ा सा इनकी एविडेंशियल वैल्यू की जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग है. वो आगे आप जब अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें समझेंगे कि कैसे एविडेंशियल वैल्यू को जज करना है. व्हाई वी गिव प्रेफरेंस टू ए डायरेक्ट टेस्टिमनी बिफोर अबाउट द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, राइट. इफ द केस इज रेस्टिंग ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस देन प्रूफ burden of proof is much more on the prosecution or on the accused to establish their position or to their part of or their role, their part or their viewpoint in the case. The only difference is in is that as proof the former means direct, former directly established the commission of the offense, whereas the latter does so by placing circumstances which lead to irresistible influence of guilt. Irresistible influence, inference of guilt. ये word है. Direct वाला उसने कहा who establishes the commission of the crime directly. He makes an oral statement. और यहां उन्होंने कहा है कि circumstances are speaking for themselves. Irresistible inference. That no other inference can be drawn except this inference. इस quality का circumstantial evidence होगा तब जाकर के हम circumstantial evidence पर rely करके किसी decision पर पहुंच पाएंगे, correct? तो क्या circumstantial evidence का basic लिख लीजिए, पहले तो लिख लीजिए. और ये long back AIR 1955 Supreme Court Page 801. हाँ, केस का नाम है देवनंदन मिश्रा देवनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. 55 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये पैरा लेट डाउन कर दिया था, वो आज तक वैलिड चला रहा है. इसके बाद इसी पैरा को जो है लियाकत स्टेट ऑफ उत्तरांचल में बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, 2008 सुप्रीम कोर्ट है. और विलास पांडुरंग पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 2004 में उन्होंने यही बात कही है. सुनिएगा, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस मस्ट बी सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर ए कंक्लूजन कंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड. कंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द मुलजिम की बेगुनाही साबित हो रही हो ऐसा कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए. चेन ऑफ सर्कमस्टांस इस कदर कंप्लीट होनी चाहिए, राइट. फिर से पढ़ता हूं, चेन ऑफ सर्कमस्टांसिस मस्ट बी सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर ए कंक्लूजन कंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड फर्दर इट मस्ट बी सच एज टू शो दैट विद इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय द एक्यूज्ड एंड नन एल्स. इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज, आदमी के काम करने की संभावनाएं जहां तक जा सकती हैं
उनको पार करने की हद तक ये साबित होना चाहिए दैट दिस मैन हैज डन एंड नो वन एल्स वाज देयर और देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ह्यूमन प्रोबेबिलिटी दैट अदर कुड हैव डन दिस वन ईयर तब हम सर्कमस्टेंस चेंज को एस्टेब्लिश करेंगे और इसलिए ए डाउट ए सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग मे नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ ये पुरानी डिक्टम है ये कहावत है ठीक तो शक जो है वो कभी भी सबूत का जगह नहीं ले सकता ध्यान रखना नो सस्पिशन कैन टेक प्लेस द हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ ये चीज है और इस 55 के जजमेंट को जो मैंने अभी ट्राइड किया वो लक्ष्मण नायक स्टेट ऑफ उड़ीसा 95 में फॉलो किया गया शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 में फॉलो किया गया अरुण बख्तर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2009 में फॉलो किया गया मोहम्मद आजाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2009 में फॉलो किया गया राइट अब इसमें भी सर्कमस्टांसिस कैसे कैसे हो राइट तो सर्कमस्टांसिस में सबसे मशहूर सर्कमस्टांस जो माना गया कैन एनीवन कौन सी ऐसी परिस्थिति कौन सा ऐसा तो वाका हो सकता है जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा सर्कमस्टांस पे थोड़ी ना बेटा वो एक्सेप्शन टू मर्डर ग्रेव इंसिडेंट हाँ बताएं वो मैंने जिसको आप प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं थोड़ा सा मिसनोमर है वो मैंने ह्यूमन प्रोबेबिलिटी से आपको मैंने शब्द बोल दिया ठीक है In all human probability, the accused must have done it, right? And circumstance should not lead to any inference that the accused may innocent, may be innocent, right? ये दो circumstances हैं। अब circumstances के भी आगे kind हैं। सबसे मशहूर जो है माना जाता है last seen evidence, बड़ा discussion में आता है। What is last seen? That accused was seen last in the company of the deceased. ये लास्ट सीन एविडेंस बहुत यूज होता है और दिल्ली पुलिस क्या हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो 60% इन्वेस्टिगेशन इसी लास्ट सीन पे आधारित करके लाती है ठीक है हिंदुस्तान का सारा इन्वेस्टिगेशन 98% इन्वेस्टिगेशन दफा 27 एविडेंस एक्ट पे चल रहा है बताऊंगा कैसे जब हम आएंगे उस पर और अगर सरकमस्टांशियल एविडेंस का केस है डायरेक्ट कोई आई विटनेस नहीं है तो वो लास्ट सीन एविडेंस के ऊपर चलते हैं राइट सबसे ज्यादा है तो अब लास्ट सीन क्या है दैट बिफोर डेथ तो भैया सीसीटीवी कैमरे में वो जो लड़की पीछे बैठी हुई थी हम लेटेस्ट आते हैं तो वो भी लास्ट सीन हुआ कि नहीं हुआ तो उन बेचारे कार वालों को क्यों दोषी मान रहे हो मैंने बेचारा वर्ड कह दिया आपको सुइड करने के लिए कितने इससे सुइड होते हैं कितने नहीं होते हैं उनका क्या कसूर है जो पांच में मस्ती काट रहे दारू पी रहे थे नहीं पता चला पीछे कोई लटक रहा है या नहीं लटक रहा बहुत बार हो जाता है ऐसा आज की एक खबर दबके रह गई दो ट्रक वाले बैक कर रहे थे मर गया बीच में वो क्लीनर दब गया बेचारा क्या कर ये खबर दबके रह गई जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि एक क्लीनर दबा गरीब का कोई सुनने वाला नहीं था लावारिस रहा होगा तभी ट्रक में लग गया कहीं पे वो मर गया जी दब करके और कोई चर्चा नहीं है उसकी और घिसट गया ट्रकों के साथ सॉस बन गया उसका इतना इतना पिचा दोनों ट्रकों के बीच में तो ये जो चीजें हैं तो लड़की भी तो लास्ट सीन एविडेंस में थी वो मुलजिम क्यों नहीं जो स्कूटर के पीछे बैठी अरे गला दबा दिया हो धक्का मारा हो आंख फोड़ दी हो डिसबैलेंस किया हो ठीक है कि नहीं हाँ लड़कियां अच्छा बोल रही है वो समझ रही है कि हम कम नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं बहुत अच्छा ठीक है इंटरेस्टिंग इससे कुछ नहीं होता इससे होता है कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तो इस कहने के साथ ही मुझे पता चल जाता है कि व्हाटएवर आई हैव सेड अप टू दिस टाइम यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली
अदरवाइज आप जाए आपका माइंड जाएगा ही नहीं उस तरफ को, ठस बैठा रहेगा दिमाग, ठीक, ये होता है। कैसे करें, लिखो इसमें, बहुत पुराना केस है और वही पाइवोटल केस है जिसने इसमें लॉ लेट डाउन किया कि लास्ट सीन एविडेंस को हम कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे। बख्शीश सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ बताएं क्या देख रहा हूँ, वो खड़ा होके मेरी शक्ल देखने लगा, मैंने कहा पता नहीं मैं कोई भगवान जाने कौन था। स्टेट ऑफ पंजाब, हाँ ए आई आर 1971 सुप्रीम कोर्ट, ए आई आर 1971 सुप्रीम कोर्ट 2016 2016 पेज। इसका डिटरमिनिंग फैक्टर है, लिख लीजिए, द डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ लास्ट सीन सरकमस्टांशियल एविडेंस इज द टाइम गैप बिटवीन द टाइम व्हेन ही वाज लास्ट सीन एंड द रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी of the deceased. Time gap last scene में और recovery of dead body में जितना कम होगा, lesser the time, human probability बढ़ जाएगी, highly probable that he must be a culprit. More the time, the property becomes less and this is the weakest piece of evidence in that case. Why? ये कहीं और भी यूज किया गया 304 बी में, सून बिफोर हर डेथ शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी। आजाद भारत में हमने ये दो ही तीन धाराएं बनाई हिंदुस्तानियों ने, 498A 304B और खूब सिर फुटफल करवा ली, व्हाट इज ब्लडी सून बिफोर हर डेथ। आज मेरी शादी हुई, फ्लाइट लेके अमेरिका चला गया, 3 साल बाद आ रहा हूं मैं, और कर दी क्रुएलिटी वाइफ के साथ, तो ये सून बिफोर नहीं हुआ जी, कि जी 3 साल हो गए थे। क्या यार, क्या लॉ बनाया है, ये तो तारीफ मानो, मैं कोई वो नहीं हूं आरएसएस वाले, अगर यहां बैठे हो तो मुझे मिसअंडरस्टूड ना करें कि मैं कहने की, ये तारीफ तो करो कि एक वर्ड तुमसे अमेंड नहीं किया गया उसके उसके बनाई हुई धारा, एक वर्ड अमेंड नहीं किया गया, और आपने जो धारा बनानी वो आज समाज में सबसे ज्यादा सिर्फ टंबल का कारण है। लो और सास को बंद करो, लो और ससुर जी को बंद करो, लो जीजा के जीजा को, जिसको फटाक साला कहते हैं आपकी देसी लैंग्वेज में, जीजा का जीजा बंद मेरे सामने। मैंने कहा ये किस खुशी में लाए हैं, कहता जी ये बड़ी कमेंट मारते थे, बड़ी उसको वो करते थे, पूरी निगाहों से देखते थे, होते तो हैं वैसे फूफा और ये जीजा के जीजा जी होते हैं, लपट तो होते हैं, इसमें कोई जोर है नहीं, उनको ये रहता सारा थर्ड ग्रेड मार दे दिया, इसकी किस्मत देख कैसी बढ़िया कि ये इसको ऐसा बढ़िया मार मिल रहा है, वो मार इसलिए सारे सबसे ज्यादा ब्याह शादियों में या कॉमन फंक्शन में आप देखोगे ये फूफा और जीजा ही नाराज होते हैं। मोर द टाइम गैप the evidence of last scene becomes weaker. ये principle है, हैं? आइए देखते हैं, Supreme Court ने ये more the time gap और lesser the time gap, the last scene evidence become highly probable. इसको कहां तक accept किया, कहां तक reject किया? कितने घंटे, कितने दिन, कितने मिनट, कितने साल last scene में और dead body की recovery में Supreme Court ने discuss किए? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर यहां से शुरू होगा, समझिएगा। AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 243 पेज, 52 सुप्रीम कोर्ट 243 पेज, हनुमंत गोविंद versus state of MP. The Honorable Supreme Court observed that in such cases there is always the danger
that conjecture or suspicion may take the place of legal proof, and therefore it is right to recall the warning addressed by judge in the jury in case Regina versus Hodge, H-O-D-G-E, Hog भी कह सकते हैं, Hodge भी कह सकते हैं, as you want to pronounce. मुझे आज तक यही नहीं पता चला स्विगी कहते हैं कि स्विगी कहते हैं, हैं? स्विगी कहते हैं. अगेन इज ए फुलिश लैंग्वेज इंग्लिश, स्विगी कहते हैं, तो उसको गूगल कहूं मैं, गुजर को, ठीक है, चलो बढ़िया. जज बार्न एंडरसन वॉज वार्निंग टू द जूरी. वहां जूरी को, जूरी सिस्टम होता ना, जूरी सिस्टम पता क्या होता, समाज से कोई 10-15 आदमी बिठा दिए जाते हैं, जज उनको फैक्ट बताता है, फिर बताता है ये लॉ है, अब आपने गवाहों को सुन लिया, अब आप फैसला दो. उसमें तेली भी बैठ जाता है, चपरासी भी बैठ जाता है, और जन कौन कौन बैठ जाता है, वो अपनी निगाह से देखता है उस बात को, समझ गए ना. एक दिन एक जज साहब रिश्वत लेते थे, तो एक तेली ने कच्ची घानी का तेल निकाला. अब तुम्हारी नई पीढ़ी तो समझती भी नहीं कच्ची घानी होती क्या है, वो कोलू के बैल चलते हैं ना, उससे वो पिस करके निकलता है. तो वही कहते हैं कच्ची घानी का भरा 16 किलो का कनस्तर टिन जज साहब के घर रखा है. तो जो खिलाफ पार्टी थी, डिफेंडेंट था, उसको पता चला कि ये तो कनस्तर रखा है. तो वो जाट था, उसकी भैंस ब्याही थी नई नई, भैंस ने बच्चा दिया था, उसने वो खीस निकलती है ना, फटा हुआ दूध जो निकलता है, उसने जो है वो अपनी भैंस जज साहब के घर बांध आया बड्डे समय. कहता जनाब खीस भी देगी और 20 सेर दूध भी देगी दोनों टाइम का. अगले दिन अदालत जुड़ी, अब तेली याद दिलावे अपने पक्ष की तरफ, बोला जनाब तेल देखिए, तेल की धार देखिए. जाट बोला अरे इसका तेल तो हमारी भैंस पी गई, अभी तो ब्याही है. वो तेल पिलाया जाता है ऊँटनी को, भैंस को, इवन औरतों को भी घी की वैसी लड्डू वड्डू खिलाते हैं पुराने जमानों में, वो होता है, हैं? तो पिलाया जाता है, कैसे ये मेरी तो ब्याही है जरा, नहीं नहीं इसका तेल तो हमारी भैंस पी गई, और फैसला भैंस के हक में, ठीक है. तो ये चीजें ब्रिटेन में भी जज बैरन एंडरसन was warning to the jury. उन्होंने जूरी को वार्न कर रहे हैं कि देखो ऐसा मत समझ लेना जो मैं बता रहा हूं और जो फैक्ट्स आपने सुने हैं. वो अधिकांश लोग जूरी में लेमैन ही होते थे, जूरी में कोई लॉयर बैठ ही नहीं सकता था, ये लॉ था. क्योंकि कॉमन लॉ का ये मानना है कि आम आदमी क्या सोचता है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए. ये बैंड पहन करके और ये स्पेशलाइज आपको ट्रेनिंग दे करके जो बिठा दिया गया है, Why they should deal with the law? पता ही नहीं चलता उसको. सुना है केशवानंद भारती केस, कितने लोगों ने सुना इस केस का? सब नहीं सुन रखा. अरे आप तो खड़े कर दो, किस किस ने केस, इतनी ठंड थोड़ी हो रही है. उससे पहला कौन सा है? गोलकनाथ का. केशवानंद भारती केस का जब फैसला आया कितने पेज का है फैसला वो? Anyone? मेरी अधिकतम जानकारी में 1782 पेज का फैसला है. वो बेचारा मुवक्किल अपने वकील साहब का गाउन पकड़ पकड़ के खींच रहा था, मुझे ये तो बता दो मैं हारा के जीता. और जब मैंने पढ़ा उस फैसले को तो मुझे भी नहीं पता चला ऐसा जज के वो हारा के कौन जीता. वो कह रहा दिस वॉज कोल्ड वार बिटवीन ए प्राइम मिनिस्टर एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट फ्रॉम गोलकनाथ टू केशवानंद भारती एंड फर्दर इन मेनका गांधी एटसेट्रा. ये कोल्ड वार था. हु इज सुप्रीम? पार्लियामेंट और द सुप्रीम कोर्ट? नाउ यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ऑर्डर कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में महिला के लक्षण नजर आ रहे हैं, लिहाजा इसका सर्जरी कर दो, इसे महिला बना दो. आदमी का, इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करो. मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ये हो गया. पार्लियामेंट कहने लगी नो नो वी कैन वेरी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. कहता है देन व्हाट इज द ब्लडी नीड ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू आर्टिकल 365? हैव ओनली 368? What is our constitution? We the people of India
provide this article 368 to ourselves, enacted and adopted, that parliament can amend the constitution. What is the need? 364 sections की जरूरत क्या अगर 368 ही होने हैं? ये यहां पर जूरी को वार्न कर रहे हैं. द माइंड वॉज एप्ट टू टेक ए प्लेजर. दिमाग में बड़ा मजा आता है सुन सुन करके. अजी जनाब देखो ना इसकी बात जो है, इसकी हरकत ऐसी थी जनाब, हिटलर के मारे भाग गया वहां से. क्यों भागा जी? अगर ये कल्प्रिट नहीं था. ये भी कह रहा है कि डर के मारे भाग गया, और ये भी कह रहा है ये क्यों भागा, कल्प्रिट नहीं था तो. भैया भाग गया उसके हार्ट फेल हो जाता, उसे देखा नहीं जा रहा था, कतल हो रहा था, इसलिए भाग गया. और आपने समझा कि वो मार के भाग गया. ये कह रहे हैं जज एंडरसन, माइंड वॉज एप्ट टू टेक ए प्लेजर इन एडेप्टिंग सर्कमस्टांसेस टू वन एनदर. हम क्या करते हैं, एक सर्कमस्टांस को दूसरे सर्कमस्टांस पर इस तरह से पिरो लेते हैं जो हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है. हम ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश नहीं करते. ये वार्निंग दे रहे हैं वन अनदर एंड इवन इन स्टेयरिंग देम अ लिटिल, और हम खींच भी देते हैं इफ नीड बी टू फोर्स देम टू फॉर्म पार्ट्स ऑफ वन कनेक्टेड होल. कभी कभी हम सास बहु में खासतौर से हिंदुस्तान की परफेक्ट होती है इस मामले, अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करती हैं और खींच भी देती हैं थोड़ा सा बेटे या बहू के आगे. वो एक होल स्टोरी सामने रखी जा रही है. इस मामले में सिद्धस्त होती है, उनका कोई जवाब नहीं. और कोई जज जो है आकर के स्वयं, अगर मान लीजिए कि इस ईश्वर को जन्म किसी ब्रह्मा नाम के आदमी ने दिया जो इसने सृष्टि बनाई, वो स्वयं भी उतर आए तो उसको वो निपटा नहीं सकता. ठीक है कि नहीं? यही कह रहे हैं. एंड मोर इग्निशियस द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल द मोर लाइकली वॉज इट कंसिडरिंग सच मैटर्स टू ओवर रीच एंड मिसलीड इटसेल्फ टू सप्लाई सम लिटिल लिंक दैट इज वेटिंग टू टेक फॉर ग्रांटेड सम फैक्ट कंसिस्टेंट विद इट्स प्रीवियस थियोरीज एंड नेसेसरी टू रेंडर देम कंप्लीट. हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कहीं मिसिंग होगा अपने माइंड से सप्लाई कर लेंगे. जो मैंने प्रीवियसली एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया, उस इन्फ्लुएंस को मजबूत करने के लिए आगे वाले फैक्ट को उसी तरह से इंटरप्रेट करके मैं वो करूंगा. इसलिए ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये खतरनाक होता है. ये आर वर्सेस रेगिना वर्सेस हॉक के केस में एंडरसन जूरी को कर रहे हैं कि अपने दिमाग को हावी मत होने देना, चीजों को चीज की तरह से देखना सीखो, अपने माइंड को मत चलाना बिल्कुल. See the things objectively, not your subjective opinion is required at all. यहां नानावती के केस में कहा सुप्रीम कोर्ट, what is the test that the person was in grave and sudden provocation? Test is objective, not subjective. इसीलिए मैंने पिछले उसमें जब बोला था तो prostitute वाला example दिया था. A person who was impotent went to a prostitute, failed to satisfy her sexually, and when the prostitute mocked and jeered at his private parts, he just strangulated the neck in fit of anger and killed the. And now before the court, he is asking for benefit of grave and sudden provocation, whether you will grant it or not. आप में से अधिकांश लोगों ने moral values अपनी बीच में ला दी. अरे नालायक का बच्चा important था. अरे गो टू अ डॉक्टर ब्लडी हेल इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग टू अ प्रोस्टिट्यूट टू टेस्ट इट, यू वांट टू टेस्ट टेस्ट इट. ये मॉरलिटी के कंटेंट्स डाले और कहा नहीं मिलेगा जी उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन इंडिया वर्ड्स जेस्चर्स आर ऑल्सो प्रोवोकेटिव. ये वर्ड है सुप्रीम कोर्ट के. वहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, वालों को याद हो कि वो चावल के खेत से आया था, सकल उसके हाथ में था और उसने उल्टी थाली एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थाली घुमा दी, जिसमें उनकी क्लैन में उनकी जात में मतलब होता था कि डाइवोर्स दिया मैंने तेरे को, और उसने वही इसका जो है दे के मारा और गर्दन मां फेंक दी अपनी औरत की जो है. ही वॉज गिविंग ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बिकॉज वर्ड्स एंड जेस्टर्स ऑल्सो प्ले ए रोल इन इंडिया. तो यहां ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लगाइए. ये जॉर्ज
जज वारेन एंडरसन ये वार्निंग दे रहे हैं, अपनी तरफ से मिसिंग लिंक जो होते हैं उनको सप्लाई करने की कोशिश ना कीजिए। जैसे ही कोई मिसिंग लिंक आए, इट इज बेटर टू से दैट दीज टू लिंक्स आर नॉट ज्वाइनिंग टूगेदर, हेयर इज अ गैप एंड आई गिव द बेनिफिट ऑफ दिस गैप टू द एक्यूज्ड। द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू फॉर्म ए कंप्लीट चेन विदाउट एनी इंटरप्शन, say it, so better to acquit him rather than to send him to gallows by joining the links by your own mind. Supreme Court in a series of decisions has held that such evidence must satisfy the following test. Ab ye test aap chahein to likh lein, ye फुल फॉर्म में क्वेश्चन भी आ जाता है सरकमस्टांशियल एविडेंस पे आपके क्वेश्चंस में, तो आप इसको जब लिखना शुरू करेंगे तो वो क्या टेस्ट है, तो पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट, द सरकमस्टांसेस फ्रॉम विच एन इंफरेंस ऑफ गिल्ट इज सॉट टू बी ड्रॉन, कोई वर्ड रह जाए किसी का तो पूछ लेना, is sought to be drawn must be cogently and firmly established. Cogently and firmly establish the circumstance from which you want to draw the inference of a guilt of an accused. Right? This is first test. Second test, those circumstances should be of a definitive tendency, unerringly pointing towards the guilt of the accused. Third, the circumstances taken together cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and none else. And fourth, chautha. Sir, thoda slow. Haan, kaun sa last repeat karun? So complete that there is no escape from the conclusion, yahan tak likh liya? That within all human probability, लिख लिया, the crime was committed by the accused and none else. And last, fourth, the circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation with the guilt of the accused, but should be inconsistent with his innocence. इसमें साइटेशन भी लिख सकते हैं जो लेटेस्ट है और जिसमें काफी मेटिकुलसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कस्ड, मुशीर खान, MUSHER, मुशीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 2010, सुप्रीम कोर्ट 762।
अब हम सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट सीन का भी प्रिंसिपल हमने बता दिया, मोर द टाइम गैप। तो उसमें जब आप इसमें जजमेंट्स पर जाएंगे या गूगल करेंगे या किसी उसके ऊपर सर्च पर जाएंगे, 3 घंटे के गैप को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया एंड द पर्सन वाज एक्विटेड। कहते बहुत होता है, 3 घंटे के अंदर तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है और कितने आदमी जुटा लेते हैं, पता नहीं किसने मार दिया इसको, तो माना ही नहीं। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, आदमी भाग गया और आपने कह दिया वही भागा ना, वही है मुझे, तो उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट, इट मे बी ए सर्कमस्टांस बट यू कैन नॉट से कंक्लूसिवली, ही माइट बी अफ्रेड और ही माइट हैव सम अदर रीजंस, राइट। इसके बाद एक सर्कमस्टांस और होता है, फॉल्स डिफेंस प्लीज। जब आप मुलजिम कभी ये दलील लेता है कभी वो दलील लेता है, जो फॉल्स डिफेंस प्लीज है held to be additional circumstance against the accused, इसको भी आप तराजू में रख सकते हैं वजन को तोलने के लिए, उसकी गिल्ट के लिए, इस circumstance को भी प्ली लेता है। यहां पर एक चीज को और समझ, 376 के केस में जब मैं बेल लगाता हूं वकील के नाते, तो शर्मा जी 98% केसेस में एक ही सेंटेंस होता है जी, कंसेंट थी। ठीक है, आप लोग नई पीढ़ी में पैदा हुए हैं, जो लोग 1976 से पहले पैदा हुए उनके लिए बड़ी समस्या थी। अंग्रेज लॉयर्स कभी केस पढ़ना, राजा ऑफ कोसीजोरा, इसको जुडिशियल मर्डर केस के नाम से हम जानते हैं इतिहास में, 1773 का केस होगा जी। उसमें क्या था, उस बेचारे की प्रीवी काउंसिल राजा की अपील जानी थी, उन जमानों में 70,000 रुपए फीस मांगी, यानी उस समय अगर वो दिल्ली का बादशाह था पूरी दिल्ली को भी भेज देता तो 70,000 रुपए नहीं मिलते, आज के 70,000 अरब करोड़ रुपए, यानी उसने कितने मार दिए, ऐसे मांगा करते थे। वाई व्हाट वाज द रीजन, 1976 में सबसे बड़ा जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल हुआ कि हमारी सीआरपीसी एमेंड हो गई, हमने सीआरपीसी को एमेंड कर दिया। 1976 से पहले जो सीआरपीसी थी वो बेल एप्लीकेशन में जो कुछ आप लिखते थे उसको एस्टॉपल क्रिएट करती थी, बार क्रिएट करती थी, यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग व्हाट एवर यू हैव सेड इन द बेल एप्लीकेशन। लेके देखे कोई मर्द 376 के केस में 1976 से पहले के कंसेंट थी, लेटर ऑन यू कैन नॉट बी अलाउड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल टू शिफ्ट फ्रॉम दैट, और अगर आप शिफ्ट करते हो तो इसमें आ जाओगे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज गोइंग अगेंस्ट यू दैट यू आर गिल्टी, वहां तुमने कंसेंट लिया बेल में और ट्रायल के दौरान कह रहे हो जी मैं था ही नहीं, मैंने नहीं किया। तो कितनी खतरनाक पोजिशन से आजाद भारत में हमने आपको उबारा है कि 1976 से पहले बेल एप्लीकेशन में जो कुछ आप लिख रहे हो वो एस्टोपल क्रिएट करती थी, बार क्रिएट करती थी, सब्सिक्वेंटली यू कैन नॉट डिनाई, प्रोसिक्यूटर आपकी बेल एप्लीकेशन निकाल के आपके मुंह पे देके मारता था, कन्फ्रंट कराता था, लुक हियर व्हाट दे अक्यूज्ड हैज रिटन इन द बेल एप्लीकेशन एंड इंड्यूस्ड लॉर्डशिप टू ग्रांट बेल टू हिम एंड नाउ ही वॉन्ट टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। लेकिन 1976 के बाद बेल एप्लीकेशन में आप कुछ भी लिख लो, इट डजंट क्रिएट एनी बार और एस्टॉपर, राइट। तो ये जो डिफेंस प्ली ली जाती है रेप के केस में, 98% केस में रेप में लिखा जाता है जी कंसेंट थी, देखो ना इसके फोटो देखो जी, पराना देखो जी, टैंका देखो, कंसेंट ही तो साबित करते हो आप उससे, बेल में बेल मिल गई और वंस बेल मिल गई वहां मुकड़ जाते हो ट्रायल के दौरान पे। लेकिन इस तरह की जो फाल अगर ड्यूरिंग ट्रायल फाल्स डिफेंस लेता है, समझना ध्यान से, तो वो एक सर्कमस्टांस हो सकता है आपके खिलाफ चला जाए, मुलजिम के खिलाफ चला जाए। लेकिन ध्यान रखना ये जो डिफरेंट डिफेंसेस ले रहा है, यहां एक और लॉ है, ए पर्सन में टेक कंट्राडिक्टरी स्टैंड, बिल्कुल विरोधी स्टैंड ले सकता है, सो लॉन्ग एज Those two stands are not killing each other.
फॉर एग्जाम्पल इन्हें चार्ज इन्हें चार्ज ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास accused may say that either he was a tenant or he was a licensee. That is why he entered the property. Where is the criminal trespass? क्यों? कि एक आदमी tenant भी हो सकता है और licensee भी हो सकता है. ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार नहीं रहे. They are not killing each other. लेकिन in a charge of criminal trespass you cannot say that either I was a tenant or I have become an owner by way of adverse possession. एक दूसरे को मार रहे. ए टेनेंट इज ऑलवेज ए टेनेंट, रिमेंबर. और एडवर्स पोजीशन से मलकियत क्लेम कर रहे हो तो और आ गया समय. समय हो गया सर, 6 बजे. 6 बजे? ओ माय गुडनेस, किसी ने बताया नहीं. जो अंधेरा भी हो गया. हो गया अंधेरा तो 5 बजे हो जाता है. ठीक है तो इसको बस परसों क्लास है सर आपकी. हाँ बस इसको यहीं छोड़ देते हैं. एब्सकॉन्डिंग ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ. फास्ट डिफेंस प्लीज मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. इनफर्मिटी और लकुना इन द प्रोसिक्यूशन केस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फास्ट डिफेंस प्लीज. क्योंकि उनके केस में कुछ लकुना है वो है और आप फास्ट डिफेंस की प्ली लेकर के उसको भर दो गैप को, ये आप नहीं कर सकते हैं. आपके खिलाफ जाएगा, आपके माने अक्यूज के खिलाफ जाएगा. आप जो मैंने भी लास्ट सीन कहा था, 2 मिलियन थे. देवर सीन लास्ट सीन इन द कंपनी ऑफ द डिसीज्ड एंड वट राइट. ए वाज एक्विटेड, कैन बी बी कन्विक्टेड? नॉट ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ कोर्स, राइट. ए को तो आपने छोड़ दिया कि लास्ट सीन पे हम इसको मानते नहीं थ्योरी को, और आप उसी ग्राउंड पर बी को आप कन्विक्ट कर देने. लेकिन जानते हो ये क्यों बोल रहा हूं? ये ऐसा किया है ट्रायल के दौरान. वो महान वकील थे, वो महान जज थे जिन्होंने किया, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा. मैं सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन से क्या करता हूं, मैं जो भी मैं आपको फैक्ट्स देता हूं या कोई मैं क्वेश्चन पुट करता हूं या मैं कोई सर्कमस्टांस क्रिएट करता हूं आपके आगे टू बी आंसर बाय यू, वो मैं किसी केस के डिसाइडेड फैक्ट्स बोल रहा होता हूं. रिमेंबर इट, वो मेरे माइंड की उपज नहीं है और अच्छे टीचर को बोलना भी नहीं चाहिए. जब तक आप व्यवहारिक बात नहीं करोगे हैं, और इस मामले में मैं कोई हिंदू नहीं हूं लेकिन गीता का मैं बड़ा भारी प्रेज करता हूं. किसलिए? रिमेंबर वास कृष्ण टॉट गीता अर्जुन भाई कॉलिंग हिम कि मेरी कोचिंग क्लास में आना. अरे भाई डर गया था ना, हथियार छोड़ के पीछे बैठ गया रथ के जाकर के, यही तो सिचुएशन थी ना है. तो उसने अपना पैम्फलेट बांट दिया कि मैं शाम को मेरी कोचिंग क्लास में आई मास्टर बनाऊंगा. In the mid of the war, when from both the sides the warriors were ready with their bows and arrows, there at this spot the Gita was taught to him. इसी तरह से लॉ की पढ़ाई भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैदान में होनी चाहिए. और माफ कीजिएगा, आज हमारी लॉ की दुकानों में ये चीज बंद हो गई है. ब्लैक बोर्ड का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, और नहीं पुराने टीचर्स के लास्ट सेंटेंस बस कहकर कि ये एविडेंस पे तो खत्म हो गए. लास्ट सेंटेंस ये कहते थे, फॉर एग्जांपल वो तीन इस तरह से लाइन खींचते थे. जो टीचर्स होते थे वो क्लास में 10 मिनट पहले आता था, अच्छे थे. ये 3 सेक्शन बना दिए. क्यों 3 सेक्शन बना दिए? यहाँ तो 2 ही हैं. जनरली लॉ फैकल्टी की क्लासों में 3 साइड बेंच लगे होते थे, इधर बीच में और इधर. 3 सेक्शन बना दिए. यहाँ उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम लिख दी, एक फलानी बात हो रही थी, एक ऐसे जा रहा था, ये काम कर दिया. यहाँ दूसरा फैक्ट लिख दिया, यहाँ तीसरा फैक्ट लिख दिया. इस क्लास वाले से कहा, इस बेंच वालों से कहा, ये आपका सवाल है, आपका क्या आंसर है? एक ने आंसर दिया यस, उसने यस लिख दिया. एक ने कोई दूसरा आंसर दिया. बाकी 2 लाइनों से पूछता था, डू यू वॉन्ट टू डिफर विद दीज आंसर्स? सपोज किसी ने डिफर किया, उसने डिफर यहाँ लिख दिया. इसी तरह दूसरा सवाल, इस तरह तीसरा सवाल, करेक्ट. फिर टीचर शुरू करता था, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज लाइक इट, राइट. और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता था आर्टिकल 14 के क्लासिफिकेशन की क्या थ्योरी होती है, क्लासिफिकेशन मस्ट बी
हैविंग ए रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव बाय द स्टैट्यूट वगैरह जब बोलना शुरू करता था तो हमको अपने आप पता चलना चल रहा था कि बेटे तुमने क्या आंसर दे दिया, ये गलत है या सही है। दिस इज इनवोकिंग। आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा वो बच्चा जो आर्टिकल 14 क्लास में बैठ गया, और मुझे आज तक याद है 41 साल के बाद भी मुझे आज तक याद है, कैन ए सिंगल पर्सन बी ए क्लास बाय हिमसेल्फ टू बी क्लासिफाइड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, आंसर इज यस। चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया। आज तक 41 साल बाद मुझे ये रूलिंग याद है, शायद यही क्वेश्चन उन्होंने वहां लिखा था, समझ गया। तो थैंक यू वेरी मच। और भाई मैं अब क्या करूं, मजबूरी है। इसमें होता यह है कि एक मिनट, कल की क्लास मैडम मोनिका सरोवा जी को लेनी थी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पे, उनके रीडर